मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में यूपीए विधायकों की बैठक, सुखाड़ और वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। रांची में संसदीय संकुल विकास परियोजना कार्यक्रम का शुभारंभ, अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज दिशा की होगी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने पर दिया बल, कहा मच्छर जनित बीमारियों में आ रही है निरंतर कमी, स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की करेंगे समीक्षा। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हो रही है मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है, इस पर कभी भी फैसला आ सकता है। संभावित फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की निगाहें टिकी हुई हैं, लिहाजा राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में सुखाड़ के अलावा अन्य राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री आवास में होने वाले इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हिस्सा लेंगे। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनता से किए गए वादों की याद दिलाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार झूठ बोल रही है। वंशवाद और भ्रष्टाचार की गठरी का बोझ उठाए सरकार की सहयोगी कांग्रेस भी अपने स्वरूप के मुताबिक काम कर रही है। बदलो सरकार पाओ अधिकार के नाम से आपने निश्चय पत्र निकाला, इसलिए मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपने कई घोषणाएं, इसलिए सरकार और उनके साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और पार्टी, अगर झूठ का विश्वविद्यालय रांची में ये दुनिया में देश में कहीं पर खोला जाएगा तो उसके भाई साहब मुख्यमंत्री जी होंगे झूठ बोलने के। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की पहल पर कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रांची में संसदीय संकुल विकास परियोजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत देशभर से नामांकित 250 से ज्यादा जनजातीय युवकों का आवासीय प्रशिक्षण होगा। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जरिए सेवा भारती सेवाधाम परिसर गुड्डूडीह में किया जाएगा। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 13,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 13,900 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,01,166 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 7 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 11 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 44 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,09,45,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज रांची जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक होगी। अब से थोड़ी देर बाद 1:30 बजे रांची स्थित श्रीकृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान में यह बैठक होगी,
जिसमें इलाके के सांसद, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई वरीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। न्यायाधिकरण की स्थापना पूर्व सैनिकों, उनके परिवार वालों, शहीद सैनिकों की पत्नियों के अलावा सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों को तेज तथा कम खर्चीला न्याय सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। विचार गोष्ठी का उद्देश्य न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना है। विचार गोष्ठी का उद्देश्य कामकाज का विश्लेषण करना और कोई कमी हो तो उसे दूर करने की सलाह देना तथा तेज न्याय मिलने की प्रक्रिया में वादियों के सामने आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान पर विचार करना है। विचार गोष्ठी को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भी संबोधित किया। वैसे तो कार्यक्रम के लिए मैं अपनी कंसेंट दे दी थी, लेकिन वही मैं जस्टिस मेनन से भी चर्चा कर रहा था और किरण जी से भी लगातार कार्यक्रमों की इतनी कार्यक्रम इतनी अधिक व्यस्त आ रही है। मुझे पहले रात तक लग रहा था कि कार्यक्रम को कोई सी करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में जा रहा हूं जिसमें जस्टिस ही होती है, मैं ऐसा करूंगा कि सचमुच डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए इस आर्ट ऑफ दिस ट्रिब्यूनल के बाद जस्टिस नहीं होगी, इसीलिए यहां आने का मैंने फैसला किया। क्योंकि हमारे लॉ ऑफिसर थे, हमारे चेयरपर्सन आर्ट ऑफ दिस ट्रिब्यूनल के यहां पर थे, कोई बहुत आवश्यक कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि ये लोग जो भी कहते हैं वो सब कार्रवाई होंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में मलेरिया उन्मूलन को लेकर बेहतर कार्य करते हुए मलेरिया के बोझ को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके बावजूद मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्यों में झारखंड देश में पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2021 में देशभर में मलेरिया के कुल मामले में से 8.79% मामले झारखंड में दर्ज किए गए। वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 के बीच झारखंड में साल दर साल मलेरिया के मामलों में कमी आई है। विश्व मच्छर दिवस पर कल आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मलेरिया उन्मूलन रणनीति के तहत बड़े पैमाने पर बुखार के सर्वेक्षण, मेडिकेटेड मच्छरदानी और प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन स्थलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इधर सीबीएसई 2022-23 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर सितंबर के पहले सप्ताह में अपलोड कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार दोनों परीक्षाओं में प्रश्नों का पैटर्न बदल सकता है। प्री बोर्ड की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में शुरू हो सकती हैं। सीबीआई पटना की टीम ने 34वें नेशनल गेम्स घोटाले के मामले में कल धनबाद में दो जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने घोटाले के केस को मैनेज करने से संबंधित आरोप के मामले में प्रभात शर्मा और संजय शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान घोटाले से संबंधित दस्तावेज और कुछ डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। इससे पहले सीबीआई नेशनल गेम्स घोटाले में झारखंड, दिल्ली और कोलकाता की विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। एयर इंडिया का दिल्ली रांची दिल्ली विमान अगले 72 दिनों यानी 31 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इस विमान को क्यों रद्द कर दिया गया और यह विमान दोबारा कब से शुरू होगा, इसकी कोई पुख्ता जानकारी साझा नहीं की गई है। इस विमान के रद्द होने से न सिर्फ दिल्ली जाने वाले बल्कि विदेश जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी होगी। फिलहाल रांची से दिल्ली के लिए इंडिगो, विस्तारा, गो फर्स्ट और एयर एशिया के विमान सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। कोरोना काल में बंद किए गए हटिया सांकी हटिया पैसेंजर ट्रेन को दोबारा चलाने की तैयारी रांची रेल मंडल की ओर से की गई है। इस ट्रेन के दोबारा परिचालन से संबंधित प्रस्ताव को रांची रेल मंडल की ओर से मुख्यालय को भेजा गया है। हालांकि इस ट्रेन को 20 जून से ही चलाने की तैयारी थी और रांची रेल मंडल ने इसकी समय सारणी भी घोषित कर दी है, लेकिन धनबाद रेल मंडल से सहमति नहीं मिलने के कारण इस ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हो सका था।
राज्य में अवैध खनन के जरिए करोड़ों की अवैध कमाई और इसका मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने मार्च में साहिबगंज से कटिहार के बीच नाव हादसे के मामले में रिपोर्ट मांगी है। एजेंसी को अंदेशा है कि गंगा नदी के रास्ता भारी पैमाने पर स्टोन चिप्स की तस्करी की जाती थी, साथ ही ओवरलोडिंग को हादसे की बड़ी वजह माना गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार सहित पांच लोगों पर दीपक कच्छप नामक व्यक्ति से षड्यंत्र कर करोड़ों रुपए की जमीन बेचने और विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस संबंध में एसटीएससी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें राजीव कुमार, अली असगर, अनिल कुमार, अली इरफान और मोहम्मद इस्लाम को आरोपी बनाया गया है। इन सभी पर धोखाधड़ी, ठगी, षड्यंत्र के तहत जमीन बेचने, गाली गलौज करने और भ्रष्टाचार निरोधक धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के थलिया और तीसिया जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस ने कई लैंड माइन्स नष्ट कर दिए हैं। बूढ़ा पहाड़ झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है। इस इलाके में वर्ष 2018 के बाद से माओवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान सुरक्षा बल पूरी सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सुरक्षा बलों की 40 से अधिक कंपनियों को शामिल किया गया है। इनमें कोबरा, जगुआर, एसॉल्ट ग्रुप, सीआरपीएफ, जैप और आईआरबी शामिल हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल शाम से ही तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि आज भी राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वो आगे मूव करेगा तो ये बादलों का समूह आप देख सकते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में है, नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में है और जिसका कारण जो क्लाउड बैंड है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल में उसका क्लाउड बैंड भी जा रहा है। अब अगले जो हम लोग चित्र में देखेंगे कि इसका जो पाथ है वो क्या किस टाइप का इसका पाथ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अभी ये जो 11:30 बजे आज 19 तारीख की 11:30 बजे ये 30 knots की स्पीड से मूव कर रहा है और डीप डिप्रेशन में इसका डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है और ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि 20 तारीख को ये सुबह में 5:30 बजे सुबह में ये झारखंड को जो पश्चिमी सिंहभूम इलाका है वहां से क्रॉस करता हुआ, सिमडेगा क्रॉस करता हुआ ये छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। तो ये आप देख सकते हैं और ये जो हरा में जो दिखा रहा है वो इसका इफेक्ट वाला जोन है कि इस जोन में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची समेत कई जिलों में निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने से आवागमन पर भी इसका असर पड़ा है। कल से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। वहीं विभिन्न डैमों का जलस्तर भी बढ़ गया है जबकि कई सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। इससे आवागमन भी बाधित हो गया। पेड़ गिरने से बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई। इस बीच बोकारो जिले में स्थित तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ जाने के कारण आज दोपहर बाद 3 फाटकों को खोल दिया जाएगा।
बांध का 3 रेडियल गेट खोला जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर बांध प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त गेट और भी खोला जा सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेषकर दामोदर नदी के निचले इलाकों के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम एवं भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची द्वारा संयुक्त रूप से जमशेदपुर के दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आदिवासी उपयोजना के तहत कृषि उपकरण वितरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि उपकरण का वितरण किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम के प्रमुख एवं वरीय वैज्ञानिक डॉ. आरती एक्का ने बताया कि इस कार्य में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची का भी सहयोग मिल रहा है। आदिवासी किसान भाई बहन उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 1040 किसानों के लिए स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट के साथ साथ में बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर का प्रत्याक्षण के साथ में उनका वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉ. संदीप कुमार पाल ने कहा कि झारखंड के किसान बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन वर्षा आधारित खेती करते हैं। अन्य फसल की पैदावार के लिए जरूरी है जल संचयन किया जाए। वर्षा अगर नहीं हुआ तो खेती भी ठीक से नहीं हो पाता। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारा सरकार भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको ये आगे सोचना है कि जो 1300 मिलीमीटर बारिश हो रहा है उसको कैसे, उस पानी को हमको संचय करके रखना चाहिए ताकि हम उस पानी को दूसरे फसल की खेती के लिए भी उपयोग कर पाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपकरण मिलने से किसान काफी खुश हैं। लाभुक किसानों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है, उपकरण से गुणवत्ता में वृद्धि होती है। हम लोग बहुत पहले से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं और यहाँ का हर लाभ को हम लोग अच्छे से उठाते हैं। जैसे कि इस बार हम लोग को इम्प्लीमेंट्स मिला है खेती बाड़ी करने के लिए। सुधार देखिए, हम तो शुरू किए हैं और इसी उम्मीद से शुरू किया है कि कुछ बेनिफिट हो उससे। उपकरण के तहत स्प्रेयर दिया गया है जिसमें हमको खेती के लिए बहुत फायदेमंद है। इस अवसर पर रांची जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए पटनायक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर रुसिया समेत पूर्वी सिंहभूम जिले के 1200 आदिवासी किसान भाई बहन उपस्थित थे। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की मेयर आशा लकड़ा ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान झारखंड के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, साथ ही राज्य के किसानों के हालात पर भी बातचीत हुई। कोडरमा जिले के तिलैया डैम से डीवीसी के बांजेडी पावर प्लांट में जो पानी जाता था उसे शुक्रवार को बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव ने अनिश्चितकाल के लिए बंद करा दिया। विधायक ने कहा कि डीवीसी कमांड क्षेत्र में जब तक 24 घंटे बिजली नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय परिसर की बंजर जमीन पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्रों की मेहनत के बल पर कई तरह की सब्जियां लहलहा रही हैं। सब्जियां स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना में परोसी जाती है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव ने कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को लेकर डीईओ एवं सभी सीओ को 30 अगस्त तक अभियान चलाते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क बनाया जाएगा और इसके लिए बच्चों तथा अभिभावकों से कोई राशि नहीं ली जाएगी। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र से पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सरगना सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की 7 बाइक बरामद की गई। यह जानकारी ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने दी है।
जमशेदपुर पुलिस ने शहर में हो रही छिनतई करने वाले गिरोह के सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अब तक सभी ने मिलकर जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर्स ट्रेड एसोसिएशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में संस्था के सदस्यों द्वारा 52 यूनिट रक्तदान किया गया। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश और तेज हवा से कई इलाकों में पेड़ की शाखाएं ओवरहेड लाइन पर गिर गई हैं। इससे 33 केवी और 11 केवी लाइनों में इंसुलेटर पंक्चर हो गए हैं। बिजली विभाग की टीम पर्याप्त मानव शक्ति के साथ बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए काम कर रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण कार्य बुरी तरह बाधित है। सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर 27 से 29 अगस्त तक हॉकी झारखंड के द्वारा सिमडेगा में 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले की महिला एवं पुरुष हॉकी टीमें भी भाग लेंगी। झारखंड के खिलाड़ी लगातार खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर देश विदेश में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बारी है कबड्डी में झारखंड का मान बढ़ाने की। 49वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी टीम के लिए चयन प्रक्रिया कोडरमा से शुरू हो गई है। 39वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी के लिए झारखंड की टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोडरमा के लाराबाद में 12 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से आए 16 खिलाड़ी शामिल हुए। 31 अगस्त को झारखंड की टीम के लिए 12 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। कोडरमा जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सिन्हा ने बताया कि ये एक ऐतिहासिक पल है, जब राज्य की टीम कोडरमा जैसे छोटे जिले से चुनी जा रही है। हाँ, ये कोडरमा को बहुत बड़ा मौका मिला है, यहाँ से राज्य स्तरीय टीम बन के और दूसरे राज्य में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रही है। एसोसिएशन के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 12 दिनों के इस कैंप के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और राज्य के अलग अलग जिलों से बेहतरीन खिलाड़ी इस कैंप में शामिल हो रहे हैं। अंतिम रूप से 31 अगस्त को 12 सदस्यीय टीम का चयन किया जाएगा, जो पटना में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। 21 तारीख को टीम जो सिलेक्शन होगा 12 प्लेयर को, वो बिहार में नेशनल राष्ट्रीय गेम हो रहा है, उसमें सब बच्ची जाके भाग लेगी और यहाँ पर 12 दिन का कैंप चलेगा। इसमें सारा बच्ची लोग और प्रदर्शन करेगी खेल का, उसके बाद सिलेक्शन होके सारा बच्ची 1 तारीख को पटना में। किन किन जिलों से बच्ची आएंगी? राज्य में यहाँ पर सभी लगभग सभी जिलों से आई है बच्ची। बोकारो का 3 बच्ची है, रामगढ़ से 2 बच्ची है, कोडरमा की 2 बच्ची है, रांची की 1 बच्ची है, एक बच्ची लोहरदगा की है। इसे मिला जुला के सब 16 बच्ची का सिलेक्शन है, उसमें 12 बच्ची का सिलेक्शन लास्ट में किया जाएगा प्रदर्शन के आधार। सभी 16 खिलाड़ी कोडरमा पहुंच गए हैं और सुबह शाम प्रैक्टिस में जुटे हैं। विश्व स्तरीय कबड्डी कोच की मौजूदगी में कैंप में आए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलेक्शन हुआ, जो बहुत खुशी की बात है, और आगे जाके भी नेशनल का गेम होने वाला है और कैंपिंग भी बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। पटना डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट लड़की है, मैं नेशनल खेलने जा रही हूँ और यहाँ पे जो मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते थे, स्टेट अब स्टेट से हम लोग खेल रहे हैं नेशनल के लिए, और यहाँ पे जो हमारे कोच हैं उनका बहुत बहुत मेहरबानी हम लोग पे, जो हम लोग को इतना अच्छा से गाइड किए हम लोग को। हम लोग बहुत लकी हैं, जिसमें से पूरे झारखंड में हम लोग 12 या फिर जितने भी हैं वो सब सेलेक्ट हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि झारखंड अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दे। उन्होंने जीत की हर बारीकी बताई जा रही है। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज हरारे में खेला जा रहा है। भारत पहला मैच 10 विकेट से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। महिला रेसलर 12:45 से शुरू होगा 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मैच में शिखर धवन के 81 और शुभमन गिल के 82 रन की शानदार पारी से भारत ने 192 रन बनाकर 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। महिला रेसलर अंतिम पंगल ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले भारत की पहली महिला रेसलर बन गई हैं। पंघाल ने इतिहास रच दिया है। भारतीय युवा पहलवान अंतिम ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है
और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अंतिम ने अपने मुकाबले में कजाकिस्तान की पहलवान एटलिन को करारी शिकस्त दी और स्वर्ण अपने नाम कर लिया। इससे पहले भारत की किसी भी महिला खिलाड़ी ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। अंतिम ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं। अंतिम के अलावा सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। कान्हा की नगरी मथुरा समेत देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी की छटा देखने को मिली। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में कृष्ण भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली स्थित पूर्वी कैलाश के एस्कॉन मंदिर में मध्यरात्रि से जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा। जन्माष्टमी के मौके पर देश भर के मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कई जगहों पर विशेष झांकियां भी सजाई गई। इधर गढ़वा जिले में भी कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। एक ओर जहां बालिकाओं ने राधा बनकर नृत्य की तो वहीं युवकों ने कृष्ण बनकर मटका फोड़ा। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर पेयजल और स्वच्छता मंत्री सगढ़वा विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गिजना गांव में अवस्थित खोनहरनाथ मंदिर परिसर में अपने माथे पर कलश लेकर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया। श्री ठाकुर ने नगर उटारी में स्थित राधा कृष्ण मंदिर का दर्शन भी किया। मंदिर के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय मानचित्र पर पूरी तरह से जाना जाने लगा है और आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज श्री कृष्ण भगवान का आज जन्मोत्सव है। और दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में यूपीए विधायकों की बैठक, सुखाड़ और वर्तमान राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। रांची में संसदीय संकुल विकास परियोजना कार्यक्रम का शुभारंभ। अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज दिशा की होगी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों में तेजी लाने पर दिया बल। कहा, मच्छर जनित बीमारियों में आ रही है निरंतर कमी, स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की करेंगे समीक्षा। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हो रही है मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित।